नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर हरि निवास, चैनल है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। आप इस समय आनंद ले रहे हैं भक्त भक्ति और भगवान। बड़े श्रेष्ठ श्रेष्ठ भक्तों की कथाएं चल रही हैं और आज उसमें एक बहुत बड़ा मोती जुड़ने वाला है, क्योंकि आज हम सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र की कथा की बात करें। महाराज त्रिशंकु के पुत्र थे हरिश्चंद्र। स्वाभाविक है कि अयोध्या के राजा हैं, लेकिन अपने पिता से इनका स्वभाव कुछ विशिष्ट था। ये धार्मिक थे, ये प्रभुपरायण थे, लेकिन सबसे बड़ी बात जिसके लिए जाने थे, ये सत्यवादी थे। एक बार जो कह दिया वो कह दिया, मतलब इन्हीं की परंपरा की वजह से शायद ये कहा जाता होगा कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाए। इसकी प्रेरणा यहीं से मिली हो। महाराज हरिश्चंद्र इक्ष्वाकु वंश में जन्मे सूर्यवंशी राजा, परम प्रतापी, सभी प्रकार से इनके राज्य में प्रजा परम सुखी। इन्होंने राजसूय यज्ञ किया था, इन्होंने राजसूय यज्ञ किया, यही प्रेरणा लेकर के महाराज युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया था। चलिए हम इनके चरित्र के ऊपर आते हैं। राजसूय यज्ञ किया है, सारी प्रजा इतने आनंद में है और इनका इतना आदर सत्कार करती है कि इनकी प्रशंसा के चर्चे जो है वो स्वर्ग तक पहुंच गए। बड़े धार्मिक हैं और आपको पता है कि देवराज इंद्र से ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होती हैं। अब देवराज इंद्र ये निर्णय करते हैं कि इनको धर्म से डिगाना है और नहीं तो इतनी कठिन परीक्षा ली जाए कि अच्छे अच्छे फेल हो जाए। निर्णय लिया, ये काम किसको सौंपा जाए। तो उन्हें पता है कि सूर्यवंश के साथ इस समय विश्वामित्र का बड़ा, तो उन्हें विश्वामित्र जी को बुलाया और उनसे कहा कि हमारी ऐसी इच्छा है कि सूर्यवंशी राजा हरिश्चंद्र, बड़ा नाम सुना है उनका, उनकी कुछ परीक्षा हो जाए। विश्वामित्र को तो वैसे भी ऐसा कोई मौका चाहिए था कि जिसमें सूर्यवंशी राजाओं को परेशान किया जा सके, लेकिन वो करते इसलिए नहीं थे कि भाई उन्हें जो ब्राह्मणत्व चाहिए, जो ब्रह्मर्षि उनको बनना है, वो पद कहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो गया उनके साथ कि कभी मेनका ने उनकी तपस्या भंग कर दी, कहीं किसी ने कुछ कर दिया, कहीं किसी ने कुछ कर दिया। लेकिन जैसे इंद्र ने ये काम उनको सौंपा, वो तुरंत तैयार हो गए। अब अपनी योग शक्ति के द्वारा रात्रि को जब महाराज हरिश्चंद्र सो रहे हैं, उनके स्वप्न में जाके पहुंच जाते हैं और स्वप्न में महाराज हरिश्चंद्र से कहते हैं कि दक्षिणा दो, दान दो। महाराज हरिश्चंद्र ने पूछा कि आपको दान में क्या दिया जाए। तो बोले, छोटा मोटा दान लेने नहीं आया हूं। अरे आप कहिए, आपको मेरा सर्वस्व पूरा राज्य दान में दे दूं। तो विश्वामित्र ने कहा, वही तो लेने आया हूं। महाराज हरिश्चंद्र ने कोई विचार नहीं किया और अपने संपूर्ण राज्य का संकल्प करके दान में वो राज्य विश्वामित्र को दे दिया। अब ये सब कुछ कोई जागृत अवस्था में नहीं हुआ है। ध्यान रखिए, ये जो भी घटनाक्रम चला है, ये सारा घटनाक्रम स्वप्न में ही हुआ है। लेकिन फिर भी प्रातःकाल हुआ, आज जब राज्यसभा में जाकर के पहुंचते हैं महाराज हरिश्चंद्र, तो गद्दी पे बैठने को तैयार नहीं। सेवकों से कहते हैं, एक दूसरा आसन यहां लगाओ, मुझे उस पर बैठना है। सारे सेवक आश्चर्य में हैं कि अरे महाराज अगर महाराज के सिंहासन पे नहीं बैठेंगे तो कौन बैठेगा। लेकिन प्रश्न तो कोई पूछ नहीं सकता है, भाई हमारे यहां धर्म नीति ये कहती नहीं कि राजा से प्रश्न किया जाए। लेकिन प्रश्न ना भी पूछा जाए तो भी लोगों के चेहरे के हाव भाव इस बात को कहते हैं
तो महाराज हरिश्चंद्र जब दूसरे सिंहासन पे बैठे हैं तो वो सबसे कहते हैं कि आज मैंने स्वप्न में अपने संपूर्ण राज्य का दान एक ऋषि को कर दिया है, इसलिए अब मैं जब तक वो ऋषि नहीं आते हैं तभी तक इस राजकाज को देख रहा हूं, इस सिंहासन पे बैठने का अधिकारी मैं नहीं हूं। इसको कहते हैं, क्यों इनको सत्यवादी हरिश्चंद्र कहा जाता है। आज कई बार तो ताने दिए जाते हैं, बड़े हरिश्चंद्र के पोते हो हैं? अगर कोई सत्य बोलने लग जाए तो उसके लिए इस भाषा का प्रयोग किया जाता है। चलिए हम अपनी कथा पे रहते हैं। विश्वामित्र जी दूसरे दिन आकर के सभा में पहुंच गए। जैसे ही हरिश्चंद्र ने देखा उन ऋषि को, अरे ये तो वही ऋषि हैं जिनको स्वप्न में मैंने दान में अपना राज्य दिया था। उठ करके उनको साष्टांग दंडवत करते हैं, प्रणाम करते हैं। ऋषिवर, अच्छा हुआ आप पधारे, सिंहासन आपके लिए तैयार है, आप विराजिए सिंहासन पे। विश्वामित्र आए, राज्यसभा में पहुंचे, अपना स्वागत सत्कार स्वीकार किया और फिर कहते हैं हरिश्चंद्र से, हे राजन, आपने दान तो दिया लेकिन दान के बाद दक्षिणा ना दो तो दिया हुआ दान व्यर्थ होता है। अभी हमारी दक्षिणा बाकी, हमें दक्षिणा चाहिए। अब तो हरिश्चंद्र जो है बड़े विचार में पड़ गए कि भाई जब संपूर्ण राज्य ही दे दिया है तो अब देने के लिए बचा ही नहीं है कुछ, तो दक्षिणा कहां से दें। फिर भी उन्होंने कहा कि ऋषिवर, संपूर्ण राज्य आपको दिया, अब आप मुझे सेवक के रूप में रख लीजिए, इसको दक्षिणा मान लीजिए, मैं आजीवन आपकी सेवा करूंगा। अच्छा, इसी राज्य में रह करके, प्रजा के बीच में रह करके अपना आधिपत्य चाहते हो? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, जिस राज्य का तुमने दान कर दिया है उस राज्य में तुम कैसे रह सकते हो, वो राज्य तो मेरा हुआ। अब तो हरिश्चंद्र के लिए और बड़ी समस्या खड़ी हो गई। देखिए, जीवन में इतना याद रखिएगा, जब आप सत्य का आचरण करेंगे तो परीक्षाएं तो होंगी, परीक्षाएं तो ली जाए। हरिश्चंद्र थोड़ा विचार करके और इस निर्णय पे आते हैं कि इस पृथ्वी पे होने के बाद भी जो काशी है ये एक नगरी ऐसी है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये शिव के त्रिशूल पे बसी हुई है, इसलिए ये नगरी जो है ये पृथ्वी का भाग नहीं मानी जाती। देखिए, ये तो राजसु यज्ञ कर चुके, इसलिए चक्रवर्ती सम्राट थे, पूरी पृथ्वी पे इनका राज्य था, तो जब इन्होंने दान दिया तो पृथ्वी का कोई भाग ऐसा बचा ही नहीं था कि जहां जाकर के ये रह सकें, क्योंकि दान में तो पूरी पृथ्वी दे दी गई थी। भाई कोई छोटा मोटा राजा हो, अपने राज्य का दान कर जे, पड़ोस में दूसरा राज्य वहां जाकर के रहने लग जाएगा, लेकिन ये तो ऐसा था नहीं, ये तो राजसु यज्ञ कर चुके थे। काशी जाकर के पहुंचे, विश्वामित्र साथ में है, मुझे मेरी दक्षिणा दो, अगर दक्षिणा नहीं दोगे तो तुमने ये जो दान किया है इसका फल भी तुमको नहीं मिलेगा और मैं तुमको शाप दूंगा। हरिश्चंद्र प्रणाम करके कहते हैं, बस आज भर का समय दे दीजिए, मैं संध्या काल से पहले आपकी दक्षिणा आपको दे दूंगा। हरिश्चंद्र ने बड़ा प्रयास किया है कि किसी तरीके से कहीं से कुछ इंतजाम हो जाए, लेकिन कोई इंतजाम नहीं होता है। उस समय दास प्रथा चला करती थी, तो हरिश्चंद्र ने यह निर्णय किया कि मैं अपनी पत्नी शैव्या, जिसका नाम है, उसको अब बेच दूंगा, क्योंकि उसको बेच के ही राजसु यज्ञ करने वालों की कथाएं सुनिए। युधिष्ठिर से भी उनका राज्य जुए में ले लिया गया, इनसे दान में ले लिया गया, उनकी पत्नी के साथ जो हुआ, यहां भी देखिए आप विडंबना देखिए। इसीलिए संभवतः राम के भाइयों ने मना किया कि राजसु यज्ञ नहीं करना। चलिए, हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी शैव्या को जब बेचना चाहा तो एक ब्राह्मण जो है वो वहां आकर के पहुंच जाता है, शैव्या को अपने साथ अपनी सेवा के लिए लेके जाता है। जिस रानी की सेवा में कितनी ही दासियां लगी रहती थी, वो उस ब्राह्मण के घर पे जाकर के बर्तन मांजती है, चौका लगाती है,
और ध्यान रखिएगा, खरीदी हुई दासी है इसलिए उसको इसके लिए कोई तनख्वाह नहीं मिला करती है, हर महीने उसको इसके लिए कोई वेतन नहीं मिलेगा, क्योंकि एक बार उसको खरीदने में जो पैसा खर्च कर दिया गया अब तो आजीवन दासी रहेगी। माता के साथ पुत्र रोहिताश्व तो फ्री में गया है, ब्राह्मण से है जा फूल तोड़ के ले आ, जा पानी ले आ, जा ये करा, जा वो करा, यानी एक सेव्या को दासी के रूप में खरीदा और उसका पुत्र तो ब्याज में मिल गया। लेकिन फिर भी ऋषि विश्वामित्र को जितनी दक्षिणा देनी है उतनी दक्षिणा नहीं पूरी हुई, तब स्वयं को बेचने का प्रयत्न किया, लेकिन जितनी सरलता से सेव्या के लिए ग्राहक मिल गया उतनी सरलता से अपने लिए ग्राहक नहीं मिलता है, क्योंकि सबको दिखाई देता है सुकोमल शरीर है, ये काम क्या करेगा, ये किसी काम का नहीं है, योद्धा जैसा स्वरूप है लेकिन अपने लिए लड़ने वाले थोड़ी चाहिए लोगों को। ऐसे में एक स्मशान का जो स्वामी है चंडाल, वो ये सोचता है कि रात्रि को हमारे स्मशान की सुरक्षा के लिए हमको एक आदमी चाहिए, ये सिक्योरिटी गार्ड के रूप में अच्छा रहेगा, और वो हरिश्चंद्र को खरीद लेते हैं। इस प्रकार से स्वयं को अपनी पत्नी को बेच करके हरिश्चंद्र जो है गुरु विश्वामित्र को दक्षिणा देते हैं। हरिश्चंद्र का समय कटने लग गया है, जो राजा हुआ करते थे वो स्मशान में रात्रि को इसलिए पहरा लगाते हैं कि कोई चोरी छुपे आकर के किसी मुर्दे को जला के ना चला जाए, उसके लिए जो कर देना वो उसको देना ही चाहिए, और विशेष आज्ञा दी थी उसके स्वामी ने, उस डोम ने, चांडाल ने, कि एक भी व्यक्ति बिना कर दिए यहां पे किसी भी मुर्दे का शव का दहन ना करे। देखिए परीक्षाएं जब आती हैं ना तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है कि इतनी परीक्षाएं ली जाएंगी यहां पे आकर के अटक जाएगा, नहीं नहीं नहीं। सेव्या का पुत्र रोहिताश्व ब्राह्मण के लिए फूल तोड़ने के लिए गया है, संध्या का काल है, एक सर्प वहीं बैठा हुआ है और वो उसको डस लेता है, रोहिताश्व की वहीं मृत्यु हो गई। सेव्या ने जब देखा कि मेरा पुत्र मर गया, अब तो बड़ा विलाप कर रही है, एक महारानी हुआ करती थी, आज उसकी दशा तो देखो, अपने पुत्र को गोद में उठा करके श्मशान तक लेके जाती है कि इसका अंतिम संस्कार तो कर दूं, लेकिन वहां श्मशान में उसी का पति जो सिक्योरिटी गार्ड बन के बैठा हुआ है वो कहता है पहले टैक्स दो तब इसको जला सकते हो। वो कहती स्वामी तुम्हारा पुत्र है, पुत्र मेरा हो तुम्हारा हो इस समय मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, मैं चांडाल का सेवक हूं, तुम ब्राह्मण की सेविका हो, ये पुत्र अंश से तुम्हारा हमारा हो सकता है, लेकिन मेरा धर्म ये कहता है कि जब तक मुझे इसका कर नहीं मिलेगा तब तक मैं इसको नहीं जलाने दूंगा। सेव्या को उस ब्राह्मण के यहां काम करने के लिए कोई वेतन नहीं मिलता है, वो तो खरीदी हुई दासी थी, रोहिताश्व को नहीं खरीदा था, लेकिन रोहिताश्व जो काम किया करता था उसके लिए भी कुछ नहीं मिलता था, क्योंकि वो खाता तो था घर पे, तो क्या फ्री में खिलाएगा। आज कुछ नहीं है सेव्या के पास, वो अपने पति से कहती स्वामी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अरे आपके पुत्र के शरीर पे कफन नहीं है तो मैं अपने इस पल्लू में उसको ढक के लाई हूं, मैं साड़ी का एक टुकड़ा काट के इसका कफन बना देती हूं और बाकी बची साड़ी में से आधी साड़ी काट के आपको कर के रूप में दे देती हूं, मैं आधी साड़ी में अपना शरीर छुपा के कैसे भी बनी रहूंगी। हरिश्चंद्र कहते हैं हाँ ये संभव, इस प्रकार से कर देकर के आप अपने पुत्र का अंतिम संस्कार यहां कर सकती हैं, आपको लगेगा कि निर्दयता है,
आपको लगेगा कि निर्ममता है। अरे ऐसा कैसा धर्म का पालन है कि आप अपनी पत्नी को भूल जाएं, आप अपने पुत्र को भूल जाएं। लेकिन इस काल में रह करके जो दास प्रथा हुआ करती थी, जो दासों के धर्म हुआ करते थे, हम उनको नहीं समझ सकते। जिस समय दास दासी की ये प्रथा थी ना, उस समय का धर्म ही बिल्कुल अलग था। और आज हरिश्चंद्र ने जब अपनी पत्नी से ये कहा था कि मुझे मेरे पुत्र का मुंह दिखा करके मेरे धर्म से वंचित मत करो, जिस धर्म के लिए तुम्हारा परित्याग किया, जिस धर्म के लिए पूरा राज्य छोड़ा है, जिस धर्म के लिए सब कुछ किया है, उस धर्म से अगर तुम मुझे हटा दोगे, क्योंकि एक बार भी तुमने और कहा कि तुम्हारा पुत्र है, इसका अंतिम संस्कार होना चाहिए, तो शायद मैं धर्म को छोड़ दूंगा। तो पत्नी सैव्या ने यह कहा था कि नहीं स्वामी, जिसके लिए हम इतने दुख भोग रहे हैं, उस धर्म का परित्याग तो नहीं हो सकता। मैं कर के रूप में अपनी आधी साड़ी आपको दूंगी, लेकिन आपके धर्म का विनाश नहीं होने दूंगी। जब सैव्या ने अपनी आधी साड़ी फाड़ने के लिए उसका किनारा पकड़ा है कि उसी समय भगवान प्रकट हो जाते। हरिश्चंद्र को भक्ति का वरदान देते हैं, देवराज इंद्र वहां आ गए हैं, विश्वामित्र को वहां बुलाया गया है, देवर्षि नारद, सभी लोग वहां एकत्रित हो गए और सब आज हरिश्चंद्र की प्रशंसा कर रहे हैं। मतलब आदमी सत्यनिष्ठ हो सकता है, सत्यपरायण हो सकता है, लेकिन आपकी तरह, अरे भाई जब तक इस पृथ्वी पे सूर्य और चंद्रमा रहेंगे तब तक राजा हरिश्चंद्र आपका नाम रहेगा, और नाम नहीं रहेगा तब तक आप सदैव अपनी पत्नी के साथ स्वर्ग में रहेंगे। क्योंकि हमारे यहां स्वर्ग की ये परिकल्पना है, उसकी ये मान्यता है कि जब तक पृथ्वी पर व्यक्ति का यश रहता है तब तक उस व्यक्ति को स्वर्ग में रहने का अधिकार मिलता है। राजा हरिश्चंद्र कहते हैं कि नहीं भैया, मैं आपके साथ स्वर्ग नहीं आ रहा हूं, मुझे स्वर्ग नहीं आना, क्योंकि मेरी पूरी प्रजा इतने दिनों से मेरे वियोग में दुखी हो रही होगी, उस प्रजा को मेरी जरूरत है, मैं अकेला स्वर्ग नहीं आ सकता। तब देवराज कहते हैं कि महाराज, अरे आपकी कर्म आपके साथ हैं, प्रजा की कर्म प्रजा के साथ हैं, आप सरसरीर स्वर्ग आ सकते हैं, आपकी प्रजा, उसने इतने श्रेष्ठ कर्म नहीं किए हैं, आपकी तरह उसने परीक्षाएं नहीं दी हैं कि वो स्वर्ग में आ पाए, और विशेष करके सदैव स्वर्ग आ पाए, ये तो संभव ही नहीं। तो हरिश्चंद्र कह देते तुम मेरा भी आना क्या आवश्यक है, ये भी जरूरी नहीं है कि मैं आपके साथ आऊं, मैं यहीं रहूंगा, अपनी प्रजा के साथ रहूंगा। लेकिन जब एक बार व्यक्ति ये अधिकार प्राप्त कर लेता है, फिर देवता भी पीछे नहीं हट सकते हैं, ये नियम विरुद्ध होगा। तो आप महाराज, आपकी इच्छा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि मेरी प्रजा मेरे साथ स्वर्ग में चले। ठीक है, आपके पास इसका मार्ग नहीं है, मैं इसका मार्ग प्रशस्त करता हूं, मेरे जितने पुण्य हैं मैं अपने सारे पुण्यों को दान अपनी प्रजा के लिए कर रहा हूं। इस प्रकार से महाराज हरिश्चंद्र ने अपने सारे पुण्यों का दान अपनी प्रजा के लिए किया है, और स्थिति इस प्रकार की आई है कि देवराज इंद्र प्रत्येक अयोध्यावासी को शरीर के साथ महाराज हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी के साथ स्वर्ग लेके गए हैं। अयोध्या सूनी हो गई है, वहां खाली रोहिताश्व का राज्याभिषेक हुआ है, और फिर विश्वामित्र मुनि ने रोहिताश्व के लिए नए सिरे से अयोध्या नगरी को बसाया है, उसकी स्थापना की है, और यहां से विश्वामित्र के अयोध्या के साथ श्रेष्ठ संबंध स्थापित हुए। धन्यवाद, ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, ऐसे ऐसे महान लोग हुए हैं, और हमें इनकी कथाएं पता ही नहीं है, या हम इनकी कथाओं को नहीं जानते हैं। चलिए, एक अच्छा माध्यम मिला है और एक अवसर भी ऐसा चल रहा है कि जब मैं इन कथाओं को आपको सुना सकता हूँ। धन्यवाद, मैं हूँ डॉक्टर हरिनिवास। अगर आपको कथा अच्छी लगी है तो कमेंट में जरूर बताइए।